क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉइल है जिसकी एवरेज डायमीटर है 0.02 मीटर और वो प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। वो 6000 टेस्ला के एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक ना, थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंगल हम कैसे लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है, इसकी एरिया वेक्टर इधर ही आएगी ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू जीरो। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को 6000 से 1000 टेस्ला कर दिया इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्न कितनी है कॉइल में, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले देखो डायमीटर की बने तो हम रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल टू डी बाय टू, ये कितना हो जाएगा 0.02 बाय 2, तो आर इक्वल टू 0.01 मीटर, ठीक ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, V1 इक्वल टू 6000 टेस्ला, और EMF कितनी है 11 वोल्ट, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हमने कितना कर दिया V2 इक्वल टू 1000 टेस्ला, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हो गया हमारा 4 सेकेंड, ठीक ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसलिए V2 माइनस V1 इंटू ए बाय डेल्टा टी। EMF कितनी है 11 वोल्ट इक्वल टू माइनस एन, V2 कितनी हो गई 1000 माइनस V1 कितनी थी 6000, एरिया कितनी 3.14 इंटू रेडियस 0.01 का स्क्वायर, टाइम कितनी हो गई 4 सेकेंड, ये इधर गया तो ये कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5000 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 0.0001 इंटू एन, तो 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.5 बचेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 1.57, तो n आ गया हमारा नियर अबाउट 28, तो n इक्वल टू 28 टर्न्स, तो कॉइल में कितने टर्न हो गए 28 टर्न्स, क्लियर।